श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में सावन की पहली विनायक चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, चांद निकलने का समय और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में। दर्शकों, सावन की पहली विनायक चतुर्थी रवि योग में मनाई जाएगी। 21 जुलाई को दोपहर के 1:58 से रवि योग का प्रारंभ होगा, जो अगले दिन 22 जुलाई रविवार को सुबह 5:37 तक रहेगा। रवि योग के किए कार्य शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहेगी। भद्रा रात्रि के 8:12 से लेकर अगले दिन 22 जुलाई की सुबह 5:37 तक रहेगी। भद्रा का वास पृथ्वी लोक में है। भद्रा के समय शुभ कार्य वर्जित होता है। सावन मास की विनायक चतुर्थी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और चंदन का तिलक करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जला लें। इसके बाद श्री गणेश जी को पुष्प, जनेऊ, दुर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। उन्हें मिठाई व उनके प्रिय लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक कर खुद भी लाल सिंदूर का तिलक करना शुभ होता है। चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को शमी के पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे मनोकामना पूरी होती है। दर्शकों, सावन की पहली विनायक चतुर्थी 21 जुलाई शुक्रवार को मनाई जाएगी। श्रावण शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ होगी 21 जुलाई प्रातःकाल 6:58 पर। श्रावण शुक्ल चतुर्थी समाप्त होगी 22 जुलाई प्रातःकाल 9:26 पर। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:05 से दोपहर के 1:50 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त होगा प्रातःकाल 10:44 से दोपहर के 12:27 तक। वर्जित चंद्र दर्शन का समय होगा 21 जुलाई की सुबह 8:29 से रात्रि के 9:45 तक।